नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम। भिवंडी में गणेश विसर्जन का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भिवंडी के दरगाह रोड स्थित नगर सेवक और स्थानिक समाज सेवकों ने मिलकर गणपति बापा पर फूल की वर्षा की। ये कार्यक्रम बड़ा अनूठा कार्यक्रम माना जाता है। भिवंडी में कई सालों से ये प्रथा चली आ रही। हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर गणपति बापा पर फूलों की वर्षा करते। इसी कार्यक्रम पर थाने आयुक्त विवेक फंसालकर और भिवंडी के DCP राजकुमार शिंदे, इसके अलावा वहाँ के स्थानिक नगर सेवक वसीम अंसारी, मुख्तार अंसारी और कई सारे समाज सेवक उस कार्यक्रम पर उपस्थित थे। कार्यक्रम के वक्त सभी ने गणपति बापा पर फूलों की वर्षा की और गणपति बापा को विदाई दी। आइए देखते एसटीएस टाइम्स की एक रिपोर्ट। इसी तरह भिवंडी की सभी घाटों पर गणपति बापा का विसर्जन बड़ी धूमधाम से हुआ। आपण बघितलंय, एक 7-8 वर्षापूर्वी आमचे वसीम भाई भगवान टावरे, संजू भोई, शांताम टावरे यांनी विदाउट पोलीस बंदोबस्तातून या ठिकाणून मिरवणूक काढली होती। आणि मला सांगायचं आहे की ह्या मुस्लिम मोहल्ल्यातून आम्हाला जाण्याला कुठल्याही प्रकारची भीती वाटत नाही। आम्ही लहानपण आमचं या ठिकाणी गेलेलं आहे, कारण आमची वडिलोपार्जित शेती त्या ठिकाणी होती। आणि दिवानशा दर्गा आम्ही जेव्हा शेतीला सुरुवात करायचो, आवणीला सुरुवात करायचो, त्या दिवानशा दर्गाला चादर आणि नारळ चढवायचो, तिथून आमची शेती सुरुवात व्हायची। आमचं लहानपण या ठिकाणी गेलं आहे। आणि या ठिकाणी सर्व मुस्लिम बांधव मध्ये नईम दलवी आहे, वसीमबाय, मुख्तार, हे सर्व अतिशय जोरात या सर्व मिरवणुकीचा। देखिए, आज अनंत चतुर्दशी का दिन है और सभी सार्वजनिक गणेश मंडल गणपति के विसर्जन के लिए तैयार है। मिरवणूक चल रही है, बारिश भी आ रही है। अभी आपने देखा कि हिंदुस्तान मस्जिद भिवंडी में गणेश के मंडलों ने पार किया है। मस्जिद के ट्रस्टीज और लोग उनके स्वागत के लिए उत्सुक थे और मंडल के कार्यकर्ता भी उनसे मिलके उनको धन्यवाद दे रहे थे। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक सर्वधर्म समभाव का एक मिसाल भिवंडी कर वासियों ने सभी लोगों को दिया है और थाने पुलिस की ओर से प्रेम आहे, जे भावना आहे त्या कमी होत नाही आणि ते लोक तेवढ्याच उत्साहाने आज जोरात करतात।